व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और खैरियत से हूँ। आज जो मैं आप लोगों के साथ व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ वो है पास्ता व्लॉग, जो कि मिक्स पास्ता बनाने जा रही हूँ, जो कि 5 मिनट की रेसिपी और झटपट से तैयार हो जाती है। मुझे बहुत शदीद भूख लग रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से छोटा सा व्लॉग शेयर करूँ। नॉर्मल अगर मुझे भूख लग रही होती है तो मैं किस तरह झटपट पास्ता बना रही होती हूँ वो मैं आज आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर पास्ता को अच्छी तरह कर लिया है बॉयल। बट व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर तो आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से जाके हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को वॉच करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह देखते रहें हमारा चैनल फेमस फूड। तो यहाँ देखिए, मैंने पास्ता को अच्छी तरह बॉयल कर लिया और ये अच्छी तरह टेंडर हो गया है। जो पास्ता है हमारा बहुत अच्छी तरह बॉयल मैंने कर लिया इसको, और अब मैंने क्या करना है, इसका जो पानी है वो ड्रेन आउट कर देना है। हमारा पास्ता यहाँ पर रेडी है, अब हमने और यानी स्टफिंग जो है वो रेडी कर ली। तो यहाँ इसमें बहुत खिला खिला और खूबसूरत सा पास्ता बनता है। तो यहाँ मैंने 2 टेबलस्पून जस्ट ऑयल इसमें शामिल किया, उसको मैंने हल्का सा गर्म करने रख दिया है। और इसमें जब मैंने शामिल करने इंग्रेडिएंट, झटपट सी ये रेसिपी है और ये इंग्रेडिएंट जब मैं इसमें शामिल करूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गाइड कर देती हूँ, इसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा शामिल करूँगी जो कि नॉर्मल आप नहीं डालते, लेकिन ये देसी पास्ता और ये मैं खाती हूँ तो ज़ीरा हमें टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। मैं नॉर्मल देसी स्टाइल में खाती हूँ, बहुत स्पाइसी खाती हूँ, तो इसलिए मैंने इसमें कि ज़ीरा शामिल किया है क्योंकि इससे जो है, हाँ देखिए मैंने इसमें शामिल कर दिया है 1 पीच हमने इसमें शामिल करा है सफ़ेद ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें शामिल कर देनी है क्योंकि हुई लाल मिर्च, क्योंकि मैं स्पाइसेस बहुत ज़्यादा खाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है, तो इसलिए मैं इसी तरह ही पास्ता खाती हूँ। आप लोगों को बहुत यूनिक सी रेसिपी मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। और 1/2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ब्लैक पेपर जो कि मैंने इसमें शामिल कर दिया है, और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो मैंने इसमें 1/2 टीस्पून इसमें शामिल करना है सॉल्ट। तो सॉल्ट मैंने इसमें शामिल कर देना है और साथ ही आप मैंने इसमें शामिल कर देना, और 1/2 टीस्पून हमने इसमें शामिल कर देना है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये थोड़ा सा अच्छा और यूनिक सा फ्लेवर आपको देता है आपकी पास्ता के अंदर, जो कि बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर हो जाता है। तो अब मैंने क्या करना है, इसको अच्छी तरह कर लेना है। जो स्पाइसीज हैं वो इसके अंदर एड ऑन कर दिए हैं, और इसके अलावा जो हमने इसमें शामिल कर देना है चिली सॉस हम और सोया सॉस हम शामिल कर दें, तो 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे। हाँ देखिए, बहुत ही मज़ेदार सा हमारा स्पाइसी सा जो है पास्ता तैयार होने जा रहा है, क्योंकि इसका जो मैंने मसाला है, इसकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही मज़ेदार से मैंने तैयार कर दी। कब हम इसमें शामिल कर देंगे कैचअप, चिली गार्लिक कैचअप हम इसमें शामिल कर देंगे ताकि हमारा जो पास्ता है वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी सा और चिली सा तैयार हो। ठीक है, कर लेना है अच्छी तरह मिक्स। तो यहाँ देखें हमारा जो पास्ते का जो सॉस है वो बहुत ही मज़ेदार सा रेड सॉस हो गया है तैयार, और हमने इसमें क्या चीज़ें शामिल करनी है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। जा रहे हैं बंद गोभी, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग कर लिया है, वो मैं इसमें ऐड करूँगी, और ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह कर लूँगी मिक्स। इसमें जो गोभी मैंने डाली थी उसको मैंने अच्छी तरह कर लिया है मिक्स, इसमें शामिल कर दिया है, और बंद गोभी शामिल करने के बाद हमने इसमें शामिल उसको हमने इसमें शामिल कर दिया है, और उसको हमने कर लेना है अगेन अच्छी तरह कुक, और इसको हमें तकरीबन 2 मिनट तक कुक करना है। हमने बहुत ज़्यादा इसको सॉफ्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा इसको क्रंची सा रखना है, यानी कि मतलब कि बहुत ज़्यादा इसमें क्रंची सा फ्लेवर है जब हम इसको खा रहे हों, बहुत ज़्यादा कुक नहीं करेंगे नहीं तो हमारा जो पास्ता है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो मुझे इसी तरह ही अच्छा लगता है, तो मैंने इसको इसी तरह कर दिया है कुक, और अब मैं इसको अच्छी तरह कर रही हूँ मिक्स। जब ये बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो मैं इसमें शामिल कर दूँगी पास्ता, जिसको मैंने बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद मैंने उसका पानी जो है वो ड्रेन आउट कर दिया है, और उसको अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद मैंने इसमें कर लेना है शामिल इसको, मिर्च और गोभी को हमने अच्छी तरह इसमें कर लिया है मिक्स। अभी जो बॉयल हुआ पास्ता जिसको मैंने ड्रेन आउट कर लिया है उसके अंदर मैंने इसको कर लेना है अच्छी तरह कर लूँगी मिक्स। और ये देखिएगा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा पास्ता हो जाएगा रेडी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। यकीनन आप लोगों को ये बहुत सिंपल सी और झटपट सी रेसिपी पसंद आने वाली है। जब भी मुझे भूख लगती है तो मैं इसी तरह ही झटपट सा पास्ता बना कर खा लेती हूँ, मेरी भूख ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ। तो यकीनन आप लोग इसको बहुत इन्जॉय करेंगे और इसको खाएँगे। अगर आपको लगता है कि इसमें स्पाइसी थोड़ी सी लाइट हैं आपको सकते हैं टेस्ट के मुताबिक, तो यहाँ देखें अभी ये मिक्स होगा, मिक्स होने के बाद जो इसका लुक आएगा वो मैं आपको फाइनल इसका लुक दिखाती हूँ। क्योंकि नीचे देखें यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो काफ़ी सारा कैचअप जो है वो नीचे ही है, तो अभी इस पास्ते को अच्छी तरह कर लूँ मिक्स, उसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखा। देखिए झटपट सा हमारा मज़ेदार सा मिक्स चिली पास्ता हो गया है कम्प्लीटली और परफेक्ट।
यहाँ देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा मज़ेदार सा मिक्स चिल्ली पास्ता हो गया है कम्प्लीटली और परफेक्टली रेडी, और हमने इसको कर लिया है डिश आउट। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी ये बनता है, यकीनन आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला है और आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो रेसिपी को करिएगा लाइक और वीडियो करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, इसी तरह देखते रहिएगा हमारा चैनल फेमस फूड। थैंक्स फॉर वॉच।